अब हम न्यूटन द्वारा दिए गए गति के दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराए तो वो घायल नहीं होता, लेकिन गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद अगर किसी दर्शक को लग जाए तो वो घायल भी हो सकता है। इसी प्रकार एक छोटे द्रव्यमान की उच्च वेग से गतिमान बंदूक की गोली किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान कम हो तो प्रभाव कम पड़ता है और ज्यादा हो तो प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है। न्यूटन ने एक ऐसी ही राशि के बारे में बताया जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर आधारित होती है, वो है संवेग। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान और वेग v का गुणनफल होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की दिशा होती है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। चूंकि वेग में परिवर्तन बल के कारण होता है तो संवेग में भी परिवर्तन बल के कारण होता है। वास्तव में वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यदि किसी m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सरल रेखा में चलती है और t समय तक एक निश्चित बल f लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक संवेग होगा p1 बराबर mu और अंतिम संवेग होगा p2 बराबर mv। संवेग में परिवर्तन बराबर p2 माइनस p1 बराबर mv घटा mu बराबर mv घटा u। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर m गुणा v घटा u बटा t। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, इसलिए F समानुपाती है M गुणा V घटा U बटा T बराबर K M V घटा U बटा T बराबर K M A। चूंकि A बराबर V घटा U बटा T, यहाँ K एक अनुपातिकता स्थिरांक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम और त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान एक हो जाता है, यानी इकाई बल बराबर k गुणा एक किलोग्राम गुणा एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार k का मान एक हो जाता है। समीकरण F बराबर k m a में k बराबर एक रखने पर F बराबर m a हो जाता है। यदि m बराबर एक किलोग्राम और त्वरण a बराबर एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो F बराबर एक किलोग्राम गुणा एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसे न्यूटन भी कहते हैं और n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो गति के द्वितीय नियम से
हमें बल को मापने की विधि मिलती है। आपने कभी ध्यान दिया है, क्रिकेट मैच में क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपक कर हाथ पीछे की ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि हाथ को पीछे की ओर खींचते हुए क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और तेज गति से आती गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर क्षेत्ररक्षक तेजी से आती हुई गेंद को अचानक रोकता है तो तीव्र गति से आती गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, यानी संवेग परिवर्तन की दर अधिक होती है और खिलाड़ी को कैच लपकने में कम समय में अधिक बल लगाना पड़ता है, जिससे हो सकता है खिलाड़ी को अधिक चोट आ जाए। जानते हैं, इसीलिए ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय में बढ़ोतरी हो जाए, जिससे संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाए। इसी कारण से कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की सिल्ली तोड़ देता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में संवेग परिवर्तन होने से अधिक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण सिल्ली टूट जाती है। गति के द्वितीय नियम के आधार पर हम गति का प्रथम नियम भी समझ सकते हैं, यानी F बराबर MA, क्योंकि A बराबर V घटा U बटा T। F बराबर M, V घटा U बटा T। FT बराबर MV घटा MU। यदि F बराबर शून्य यानी बाह्य बल शून्य हो तो V बराबर U यानी वस्तु समय अंतराल T के दौरान समान वेग U से चलती रहेगी, और अगर U बराबर शून्य तो V बराबर शून्य होगा, अर्थात अगर वस्तु विराम अवस्था में थी तो विराम अवस्था में ही रहेगी।